बिहार एवं झारखंड के अप्रवासी बिहारी का आगमन सोमवार को गया हवाई अड्डे पर हुआ। इस मौके पर उन्हें वंदे भारत गया किट देकर मगध आयुक्त एवं जिलाधिकारी के अलावा वरीय पुलिस अधीक्षक और विमानपत्तन निदेशक के द्वारा स्वागत किया गया। सभी यात्री की जांच की गई, इसमें सभी सही पाए गए। इस मौके पर जिला पदाधिकारी ने बताया कि आने वाले अप्रवासियों में 28 बिहार के और 13 झारखंड के हैं। उन्होंने बताया कि यूके से गया पहली उड़ान का यह आगमन था। यात्री अपने वतन की जमीन पर कदम रखते हुए काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। यात्रियों ने बताया कि वह सरकार की व्यवस्था से काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है वह सराहनीय है। के वंदे भारत मिशन के तहत जो विदेशों में हमारे भारतीय फंसे थे उनको लाने की जो प्रक्रिया शुरू की गई है उसमें आज लंदन से जो फ्लाइट आई है वो वाया दिल्ली होते हुए वाराणसी होते गया आई है, और गया में बिहार और झारखंड के टोटल 41 पैसेंजर्स आज यहाँ पे आए हैं, और उसमें 28 लोग बिहार के हैं और 13 लोग झारखंड के हैं। यहाँ पर एक व्यवस्था हम लोगों ने की थी कि सभी पैसेंजर्स को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी के सहयोग से, सीआई साहब के सहयोग से, उनका इमिग्रेशन चेक कराया जाए, उनका जो लगेज है उसको सैनिटाइज किया जाए, उनके लिए होटल बुकिंग की व्यवस्था की, क्योंकि पेट क्वारंटाइन में उनको रखा जा रहा है 14 दिन के लिए, तो उनके लिए होटल्स की व्यवस्था भी यहाँ पर यहाँ बुकिंग किया गया उनके लिए, और ये सुनिश्चित किया कि उन सभी को एक किट दिया जा रहा है। उस किट में उनको उनके जानकारी के लिए चीज़ें हैं, सैनिटाइज़र है, बॉटल्स है और मास्क है, और कुछ जरूर की दवाएं हैं अगर उनको आवश्यकता पड़ता है 14 दिन में उसके उसमें रखी गई हैं। सभी जो पैसेंजर यहाँ आए हैं वो काफ़ी खुश थे वापस अपने घर वापस आने के लिए, अपने वतन वापस आने के लिए, और उन सभी ने जो व्यवस्था यहाँ पे की गई है उसे संतुष्टि जाहिर की है। बहुत ज़्यादा था, मैं बहुत मतलब इंतज़ार कर रही थी। मैं है ना अपनी बेटी के पास है ना यूके में स्ट्रेंजन एक जगह है तो वहीं पे मैं गई हुई थी, क्योंकि है ना वो प्रेग्नेंट थी तो उसे थोड़ी मदद की ज़रूरत थी। मेरा है ना टिकट है ना वो 18 अप्रैल का था, और है ना लेकिन लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया, नेचुरल है घबराहट तो होती है जिस एज में मैं हूँ, मुझे लग रहा था कि पता नहीं कब खुलेगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री जी की जिन्होंने ऐसा है ना उम्मीद दिलाया। मुझे मोदी सरकार पसंद है इसीलिए ना उन्होंने जो भी यहाँ किया है वो बहुत ही अच्छा है, और मैं मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे देश जो जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ से ज़्यादा हमारे यहाँ के नागरिकों चाहे ज़्यादा लोग ज़्यादा सतर्क, बहुत ज़्यादा सतर्क है, और वहाँ इससे थोड़ा लिबरल है लोग, उतना ज़्यादा नहीं है। 6 साल की जान पहचान रिश्ते में बदल गई। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रेमी जोड़े ने मास्क लगाकर 7 फेरे लिए। गया के माँ मंगला गौरी मंदिर के पास रविवार की दोपहर खुशी के माहौल में दुल्हा दुल्हन ने डंडे के सहारे से एक दूसरे को जयमाला पहनाया और 7 जन्मों के साथ निभाने का वादा करके एक दूजे के हो गए। जिला प्रशासन की अनुमति से हुए प्रेम विवाह में दोनों ओर से 20 से भी कम परिवार के लोग शामिल हुए। शहर के नई गोदाम के रहने वाले प्रमोद कुमार नाई ने बताया कि खुशी के माहौल में मां मंगला गौरी मंदिर के पास पहाड़ी पर ही स्थित एक घर में उनकी पुत्री दीपा कुमारी की शादी हुई। गया शहर के छुटकी नवादा के गांधी चौक निवासी पप्पू सिंह चंद्रवंशी के पुत्र रितेश कुमार से बिना दहेज के प्रेम विवाह होने के बाद दोनों परिवार काफी खुश हैं। वरवधु ने भी सभी रस्मों में संक्रमण से बचाव का विशेष ख्याल रखा। प्रमोद कुमार ने बताया कि शादी के लिए जिला प्रशासन से अनुमति ली थी, 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति मिली थी। वरवधु दोनों पक्ष के 20 लोग से भी कम लोग मास्क लगाकर शादी में शामिल हुए, सैनिटाइजिंग का भी ख्याल रखा गया। शादी समारोह में आए लोगों को डिब्बे में ही खाना दिया गया, अनुमति प्राप्त वाहन से दोनों को विदा भी कर दिया गया। 6 साल क्लास में दोनों साथ में क्लास करते थे, साथ में नहीं करते थे क्लास, मैं क्लास में सीनियर जूनियर थे क्या? हाँ। अच्छा, वही आप दोनों का मुलाकात हुई थी तो क्या आप दोनों एक ही कास्ट के हैं? नहीं, अदर कास्ट। कौन कौन कास्ट के हैं आप? कौन कास्ट है और लड़का कौन कास्ट है? चंद्रवंशी है ये, ठाकुर। वो राजी है या नहीं? दोनों परिवार राजी है। ये लॉकडाउन चल रहा है उसके बावजूद भी शादी किया जा रहा है, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
कर रहे थे। हाँ। आपके तरफ से कितने लोग आए हुए हैं शादी में? दस। और लड़के तरफ से? दस। अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? लव मैरिज है। कितने साल से? ये 5-6 साल से। ये लॉकडाउन चल रहा है उसमें भी आप लोग शादी कर रहे हैं, क्या सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हो या पकड़? या हम लोग सोशल डिस्टेंस लेकर चल रहे हैं, हम अदर का शादी कर रहे हैं, हम लोग को क्लास कोचिंग हो रहा है। 6 साल हो गए। दोनों का संबंध 6 साल से करीब चल रहा। क्या प्रेम पत्र? हाँ प्रेम पत्र। तो क्या मतलब दोनों पढ़ाई करते थे एक साथ? नहीं, दोनों सीनियर जूनियर थे। मतलब एक ही कोचिंग में? हाँ। तो आप लोग खुशी सहमति से सब शादी? हाँ, दोनों का फैमिली तरफ से राजी है तब शादी हो रहा है। अभी शादी में मौजूद है अभी? दस। लॉकडाउन चल रहा है उसको लेकर क्या आप लोग क्या? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सरेन पंचायत के ग्राम बंगठिया में मृतक ललन कुमार, जो 16 दिन पैदल चलकर पुनः से अपने गांव की धरती पर कदम रखते ही गया जिला अंतर्गत नीमचक बथानी प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर पर भटकते रहे, लेकिन 4 क्वारंटाइन सेंटर भटकने के बाद भी उनको किसी भी जगह शरण नहीं मिलने के क्रम में मालगाड़ी की चपेट में आकर उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन एक समाचार पत्र के द्वारा मृत्यु को आत्महत्या की खबर लिखने का विरोध बंगठिया गाँव में किया गया। मौके पर जिला प्रशासन के विरुद्ध पुतला भी दहन किया गया, साथ ही साथ प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए 5 लाख रुपए मुआवजे देने की मांग की गई। एक पदाधिकारी और प्रशासन का है, यदि उसको कोरोना सेंटर में यदि भर्ती करवा दिया होता तो आज इसकी मृतकता तक आम जन और एक गरीब का क्या हाल होगा, आप लोग देख रहे हैं। इसीलिए मैं सरकार को आँख खोलना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि आपका जो सेंटर बना है, सब पदाधिकारी अपने सेंटर पर न किसी प्रकार का सुविधा, न सोने का, न बैठने का, न खाने का, न पीने का, और सब अपना के। संतोष वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से उनके सदस्यों के द्वारा गया जिला के गया कॉलेज खेल परिषद के सलम जगहों पर जरूरतमंद लोगों के बीच जाकर 100 से 150 घरों में हरी सब्जी का वितरण किया गया। इस मौके पर संतोष वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक यश वर्मा ने बताया कि हम लोगों ने निकलकर जब मास्क वितरण कर रहे थे तो कई स्लम एरिया में जाकर लोगों के बीच उनकी समस्या पूछी, तब लोगों ने बताया कि कई समस्या है जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। स्लम एरिया में जाकर लोगों के बीच उनकी समस्या पूछी तब लोगों ने बताया कि कई समस्या है जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। इनमें से कुछ समस्या खाद्य सामग्री और पैसे की कमी थी, जिसके बाद इन लोगों के द्वारा सब्जी बांटा गया। संस्था के सदस्यों के द्वारा सब्जी बांटा गया, जिसमें जिससे जितना बन सका उतना उनके द्वारा मदद भी किया गया। उन लोगों ने बताया कि अपने भारतवर्ष से कोरोना जैसी महामारी को भगाने को लेकर के हम लोग पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही साथ पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए इसके लिए लोगों से प्लास्टिक की जगह अखबार और कपड़ा वाले थैले यूज करने की बात कही जा रही है। इस मौके पर इस कार्य में संतोष वेलफेयर सदस्य दिवाकर कुमार, प्रेम प्रकाश, मनीष, अमित कुमार, शक्ति, सागर, विशाल, रविकांत, शिवम, रोहित, शैलेश, गुड्डू के अलावा अन्य लोग शामिल थे। आज संतोष वेलफेयर फाउंडेशन के तरफ से एवं उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा गया कॉलेज के खेल परिषद के निकट जो स्लम एरिया है करीब, यहाँ पे हम लोग कल यहाँ पे आए थे, कल यहाँ पे हम लोग आए थे साबुन और मास्क का वितरण करने गया कॉलेज में, तो वहाँ के गार्डों, वहाँ के लोगों से हम लोग को एक खबर मिली कि बगल में स्लम एरिया है, जो यहाँ के लोग मतलब सब्जी खाद्य सामग्री से वंचित है, यहाँ पे बहुत कष्ट से लोग जी रहे हैं। हम लोगों ने कल आया तो आज हम लोग का प्रोग्राम बना के आज हम लोग सब्जी बांटेंगे, इसके बाद 2-3 दिन के बाद साबुन मास्क का भी वितरण करेंगे स्लम एरिया में, उसके बाद हम लोग अनाज का वितरण करेंगे। करीब हम लोगों ने यहाँ पे बांट के हम लोग ये लगा कि करीब यहाँ 100 से 150 घर हैं जो मतलब खाना के लिए तरस रहे हैं, यहाँ पे यहाँ के लोगों के पास खाना खाद्य सामग्री बहुत कम है,
तो मैं अपील करूंगा वो तमाम संस्था, प्राइवेट संस्था हो या सरकार हो या फिर यहाँ के जो वार्ड कमिश्नर होंगे, मैं उनसे अपील करूंगा कि जो स्लम एरिया में आप लोग आएँ और इसे विजिट करें और इसके लोगों का कष्ट करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा देश भर में लॉकडाउन हो चुका है, ये बहुत विकट परिस्थिति है। इन लोग डेली खाते हैं, डेली कमाते हैं तो डेली खाते हैं। अभी करीब 2-3 महीना से लॉकडाउन है तो इन लोगों को नहीं का पैसा आ रहा है तो फिर कहाँ से खाएंगे। इन लोगों को खाने की बहुत दिक्कत है। तो आज हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे संतोष बेलफेयर के जितने भी सदस्य हैं, सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे आज सब्जी बांटने का काम किया है और आगे भी कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हम मेरे कार्यकर्ता है, मेरे सदस्यों के द्वारा इनको हेल्प मिल सके, हम लोग करेंगे। गया में NSS स्वयंसेवकों के द्वारा पिछले महीने से ही मास्क, राहत सामग्री, चावल, दाल, आटा, तेल, मसाला आदि का वितरण किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया के सहभागिता के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम निरंतर जारी है। इन सब के साथ ही स्वयंसेवकों ने गया स्टेशन के गुमटी नंबर 1 के फुटपाथ पर जरूरतमंद लोगों के बीच पूरी और सब्जी का वितरण किया। मगध विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना समन्वयक प्रोफेसर ब्रजेश कुमार राय ने बताया कि कोई भी देश का नागरिक भूखा ना रहे, यह हम ईश्वर से कामना करते हैं। और टीम लीडर विशाल राज के नेतृत्व में NSS स्वयंसेवकों ने NSS का स्लोगन मैं नहीं बल्कि तुम को हर मुश्किल परिस्थिति में सत्यापित करने के लिए ठान ली है और इस महामारी के वक्त में हर भूखे पेट तक भोजन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। निरंतर लॉकडाउन के आरंभ से ही टीम लीडर विशाल राज लोगों के आर्थिक मदद करते आ रहे हैं। साथ ही साथ विशाल कहते हैं कि यदि आपका उद्देश्य विराट हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। कोरोना जैसी बीमारी भी आपको रोक नहीं सकती है। देश को हम युवाओं की जरूरत है और हमारी कोशिश है कि हम अपने फर्ज पर डटे रहें। इस मुहिम में टीम लीडर विशाल राज के साथ वरिष्ठ स्वयंसेवक अनुराग कुमार, सावन, अभिषेक, अंकित राज, राजेश कुमार, रितेश कुमार, शुभम कुमार, प्रिया कुमारी, शिवानी, सैनी एवं अन्य स्वयंसेवक जरूरतमंद लोगों की मदद करने में निरंतर प्रयासरत हैं। आप कहां जहां हो, कहीं हो, वहां पे गरीब बच्चे और इस्लामिक एरिया में जाकर के लोग को जागरूक करें और मदद करें। जय हिंद, जय भारत। आज दिनांक 18 मई 2020 को मगध विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा स्टेशन निकट फुटपाथ एरिया में लोगों के बीच पूरी सब्जी का वितरण किया गया। ज्ञात हो कि हम राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक पिछले महीनों से ही झूड़ी झोपड़ी के लोगों के बीच खुद से मास्क बनाकर वितरण कर रहे हैं। तो मास्क बांटने के दौरान यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि उन्हें खाने पीने का बहुत दिक्कत हो रहा है। तो हम लोगों ने स्वयंसेवकों ने निर्णय लिया कि हम लोग निरंतर लोगों को पूरी सब्जी खुद से बनाकर वितरण करेंगे। तो हम सभी स्वयंसेवक स्लम एरिया में पूरी सब्जी का वितरण कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस मुहिम में वरिष्ठ स्वयंसेवक अनुराग कुमार, नितेश कुमार, राजेश कुमार एवं शुभम कुमार। ऑटो की सीधी टक्कर में 2 व्यक्ति बुरी तरह घायल, जयप्रकाश नारायण अस्पताल गया हुए रेफर। गौरतलब हो कि सोमवार की शाम अपने बाइक से गुरारू से अपने गांव कोरमथु जा रहे तिलोरी पंचायत के वार्ड नंबर 7 के वार्ड सदस्य रामानंद दास एवं तिलोरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष परीक्षण सिंह का पुत्र संजय सिंह जैसे ही कोची गांव के आरा मशीन के समीप पहुंचे, विपरीत दिशा से आ रही ऑटो ने जोरदार टक्कर मार दी और बाइक सवार दोनों व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए। सुनसान सड़क का लाभ उठाकर ऑटो चालक फरार होने में कामयाब रहा। गुरारू पुलिस ने सूचना पाकर घायलों को प्राथमिक हेल्थ सेंटर में इलाज कराने के लिए भर्ती कराया, जहां दोनों घायलों को गया रेफर कर दिया गया। ज्ञात हो के पुलिस के द्वारा ऑटो चालक को ढूंढा जा रहा है, लेकिन ऑटो चालक अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है।